भगवान करे मेरा ये पहला व्लॉग वायरल हो जाए और कुछ लाइक्स आ जाए इस पे, और ये वीडियो पे अगर 1000 व्यूज आते हैं तो मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा यहाँ समंदर का। तो दोस्तों ये किस्मत का पहिया, अब घूमने जाएगा भैया। ये मुर्गा बना रहे हिले मत। तो थारा भाई चमन भी घूम के आ गया और हमारे यार भी घूम के आ गए। अबे भैया की बारी। यार ये कौन सी बात है यार, मेरी कोई बात नहीं थी। उठो हम झगड़ा घुमाएंगे, अपना कर्सर सेट करो। आप कर्सर सेट करो। अरे तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा इतने दिनों के अंदर। आपने बहुत मजे ले लिए यार, हम बैठे पीछे तब आप अकेले थे पीछे, अब हम मजे करेंगे। आपने बहुत गेम खेले, अब हम खेलेंगे। अरे भाई इतने दिनों के अंदर है ना बहुत सारी वीडियोस बना लेंगे इससे अच्छा अपन। नहीं आप घूम के आओ, आप घूम के आओ, हम तैयारी करेंगे। तो हम तैयारी करेंगे तब तक पीछे। चलो फिर ठीक है भाई, घुमा दो किस्मत का भैया जहाँ किस्मत। पहले आप कर्सर सेट करो फिर घुमाएंगे। ठीक है तो मैं कहाँ जाऊँ। वैसे तो पूरा भारत ही बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन अब इतनी सारी जगहें हैं कि हम सिर्फ 10 जगहों का ही चुनाव कर पाए हैं और ये लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मन मेरा भी है। तो मैं सेट करता हूँ यहाँ पर। घुमाओ आप पहिया। नहीं ठीक है, पहिया नहीं घूमेगा। क्यों भाई, अब यहीं हो गया। घुमा लेता हूँ। चमन अंडमान निकोबार यहाँ से भारत में नहीं है, भारत से दूर है। तो क्या तो अपनी फैमिली चारों तरफ है ना, क्या वहाँ मिल जाएंगे अभी करो। चलो गाइस फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया है, हर बार मेरी मनमानी होती है, इस बार ये लोग कह रहे हैं ऐसी बात नहीं यार घूमना जाना, कौन मना करेगा। बस थोड़ा सा इसलिए मैं सोच रहा था कि यार वीडियो जितने दिनों में नहीं आ पाएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, अभी थोड़ा सा घूम के आ जाता हूँ थोड़ा सा। चलो तो गाइस अकेले नहीं भेजेंगे, उनके साथ एक तो मोटा भाई को भेज देंगे और एक अपने दिनेश भाई को, दोनों को भेज देता हूँ। अकेला थोड़ा बिल्कुल सही है, मजा नहीं आएगा उन्हें। सेफ्टी के साथ में भेजना जरूरी है। और मोटा भाई है बॉडीगार्ड, बाउंसर है बाउंसर। ठीक है चलो गाइस वाला सामान पैक करके तब तक बाय। तो गाइस आज हम जा रहे हैं भारत से बाहर। जी हाँ, भारत का ही हिस्सा है, मेरे जगह खुली है अंडमान निकोबार जैसा कि। तो आज हमने डिसाइड किया है, आज मैं तैयार हो गया हूँ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मोटा भाई है और दिनेश भाई है और ये सभी लोग नहीं है। ये नहीं है, ये यही है। तो गाइस यार वैसे तो ये लोग मतलब फोर्स कर रहे थे मुझे कि तू अकेला जा। मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा, फिर उसके बाद खुद ही बोलते नहीं यार दो जनों को साथ लेके जा, तुझे कुछ हो गया तो भाई क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी के लिए आज मोटा भाई मेरे साथ है और कैमरा मैन दिनेश मेरे साथ है। तो मैं मोटा भाई और दिनेश हम सब लोग जा रहे हैं अंडमान निकोबार और ये लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं रहोगे। काम करो जल्दी। मुझे पता है कि ये काम वाम तो कुछ करेंगे नहीं, अभी मैं ही जा रहा हूँ तो अभी ऑफिस के अंदर खुराफाती करेंगे, लेकिन हमारी फ्लाइट लेट हो रही है तो सभी से एक बार गुड बाय बोल देते गाइस। अब मुझे नहीं पता एक महीने से आऊंगा मैं। हमारी जो फ्लाइट है वो है गाइस रात के टाइम में, या तो सुबह 5 बजे आई थिंक सुबह 5 बजे की फ्लाइट है। गाने लगा दे गाने, चल बोर हो रहा है। गाइस विक्रम ने जो है गाड़ी को 300 की रफ्तार से चलाया और इतने जल्दी हम जयपुर में पहुंच गए। तो अपनी जो फ्लाइट है वो सुबह की है भाई लोगों, तो अभी हम क्या करेंगे, हम जयपुर के अंदर थोड़ा सा घूमेंगे। और मैंने आज ही शेव करा ली थी बड़ा, उसके अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ तो थोड़ी कल तक शेव वापस आ जाएगी, सही हो जाएगा। फिर होटल के अंदर रुकेंगे आज और देखते हैं क्या होता है। फिर सुबह जल्दी उठना है यार, सुबह मतलब 2 बजे ही तो हमें उठना है, फिर 3 बजे की फ्लाइट नहीं 5 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे उठ के चलना है। चलो आ जा ऊपर चलते, ऊपर से देखते जयपुर के नज़ारे दिखाते हैं। हम तीन, ये कमरा और फुल ऑफ फन गाइस। तो
तो कैमरा टूट जाता है तो। तो गाइस ये देखो, ये जगह है, ये देखो गाड़ी क्या कर रहा है। दूध खा रहा हूँ, दूध दूध खा रहा है, दूध खा रहा हूँ, पाउडर हूँ मैंने इसलिए। ये खुश तो बहुत हो गए विक्रम, तुम आज कोई काम नहीं, भाई, नहीं, नहीं, दो दो ट्रिप मिल गई मेरे को तो। चलो गाइस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, गाड़ी चला के थक गए, उसके बाद खाना खाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है। ये लोग आज फिर से मेरी फ्लाइट मिस करवा देंगे यार, उठ ही नहीं रहे कोई भी, उठाना पड़ेगा इनको, ऐसे नहीं उठते। उठो भाई उठो, उठ जाओ यार, फ्लाइट है अपनी, चल अबे चल, अबे चलना, चलो चलो जल्दी 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 भाओ। अबे सामान क्या है ना गाड़ी में, गाड़ी में चल जल्दी। गाइस सारा सामान गाड़ी के अंदर है और हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं भाई। वो जूते गए तुम्हारे गाड़ी में, वो भी गाड़ी में। चलो भाई एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचना होता है और हम तो भाई साहब एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे, पहले पहुंच के क्या करेंगे। अरे आ जाना, आपको कॉल आएगी, गोली देगी, बैठे ना, वेट 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 छाड़ी वेट। रुक जा रुक जा रुक जा, पेड़ से गाड़ी आ गई, चल लेना आगो। चलो भाई लोगों, 5 बजे की फ्लाइट है और थोड़ा सा टाइम बचा है, बस सिक्योरिटी चेक पे टाइम से पहुंच जाए, बस गाड़ी एयरपोर्ट पे पार्क कर देंगे अपने घोड़े को, उसके बाद के अंदर फिर अपन जो है फ्लाइट के अंदर। टाइम कितना बची यार, यही है वो लड़का गाइस, यही है वो लड़का जिसकी वजह से आज हम लेट हो सकते हैं, यही है वो लड़का, लेट होते तो इसकी जिम्मेदारी। एयरपोर्ट देखो यार, मस्त है, एक नंबर। गाइज ये विक्रम फिर से जो है गायब हो गया है, टॉयलेट करने गया है, अभी तक आया नहीं, हम इसके इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में हमें सिक्योरिटी चेक इन के अंदर क्लियर करना है, जाना है, लेकिन वो तो आया ही नहीं अभी तक। कब तक आएगा ये, पता नहीं कहाँ कब से। गाइज आज का घोड़ा हमारा ये वाला है, बहुत तेज भागता है ये। गाइज विक्रम और हम दोनों बिछड़ गए हैं, वो उधर से जा रहा है और मेरे को पीछे वाले गेट से जाना है। गाइज तो पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। गाइस मैं फ्लाइट में आ गया, मोटा मुझे मिल नहीं रहा है, फ्लाइट में अनाउंसमेंट चल रही है कि हम समुंदर के नीचे से जाएंगे। हाय बड़ी, हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हैं आप, बेंगलोर, नाइस। हमारे साथ अंकल जी हैं और मोटे ने वहाँ जगह ले लिया, गजब है तू यार। गाइस फ्लाइट के अंदर लाइट चली गई है और ये मोटा देखो कैसा दिख रहा है, और ये हमारी फ्लाइट अभी उड़ने वाली है, उड़ने वाली है, उड़ने वाली है। गाइस ये जयपुर शहर है ऊपर से, और अगर आप लोगों की फ़्लाइट मान लो 4 बजे की होती है और आपको सूर्योदय देखने का मौका मिलता है, तो गाइस आप देखोगे यार कि सोना निकल रहा है यार आसमान में। मैं कितनी बार इस नज़ारे को देख चुका हूँ, लेकिन और जब भी देखता हूँ हर बार एक नया एहसास, नया फील देता है ये चीज़। ये देखो भाई साहब कहाँ पहुँच गए वैसे हम, फिर भी अंदाजन। हाँ आप भी पहली बार बैठे हो, हम भी पहली बार बैठे हैं, भाई साहब भी पहली बार। आप कहाँ जा रहे हैं, मालदीव। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मालदीव उकड़े यार। और मालदीव में से पहुंच जाओ, हीरो हीरोइन घूमबा जावे बटे। तो मालदीव कहाँ से फ्लाइट है आपकी, बेंगलोर से मालदीव, बढ़िया भाई बढ़िया। वहाँ हिंदी थोड़ी चलती है, आप पहली बार जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, काम से, काम से जा रहे हैं। अरे वाह यार बढ़िया भाई, पहली बार है ना भैया, मालदीव जा रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। हम जा रहे हैं दुबई खेल के कुएं देखने, काम करवा यार, क्या काम करवा। हाँ वही काम करने हैं यार, दुबई में 4 साल रह के। दुबई में 4 साल रह के आए, कैसे वो वहाँ वो चलते हैं ना क्या, दिरम दिरम चलते, कैसी है लोग, कैसे वहाँ के, ठीक है, परेशानी इतनी होगी हमें। गर्मी ज़्यादा है, राजस्थान जैसा ही, फिर तो चलेगा यार राजस्थान जैसा ही, भैया बता रहे हैं। ज़ुल्फ़ जो
बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, दिल में है। गाइस हम लैंड करने वाले हैं इन बहने दो, खुद को देखो जरा मेरी नजरों से, तुम कितना जादू भरा तुम मैं समझो ये तुम। गाइस ये हम लैंड हो गए बेंगलुरु के अंदर, 5 घंटे यहाँ पे होल्ड है, फिर यहाँ से सीधा पोर्ट ब्लेयर। सब मालदीव में मजे करना, किसी को छेड़ना मत, नए हो आप अभी। गाइस भैया मालदीव जा रहे हैं और अपना स्टॉप आ गया यहाँ पे, खाली हो रही पूरी हवाई जहाज। भाई साहब से दोस्ती हो गई, दुबई आराम से मौज करना। नहीं हम दुबई नहीं जा रहे यार, हम तो अंडमान निकोबार जा रहे हैं। अच्छा, तो मजा कर रहे थे आपसे। तो मालदीव में भैया का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो भैया वहाँ पे जाके मजे करेंगे। अभी कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 1 बजे। चलो फिर एक बार फिर से बाय बाय। हैप्पी जर्नी, किसी को छेड़ना नहीं है। कोई छेड़े तो गुस्सा मार देना उसको, ठीक है क्या? तो यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो। ये फ्लाइट बहुत लंबी थी यार, पता ही नहीं पड़ा था कब उतरेगी कब उतरेगी, लेकिन अभी हमने जमीन देख ली है और अब ये लैंड होने वाली है। कमेंट करके मुझे बताना ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये बादल तो हैं लेकिन बादल के रूप में क्या है? नाइट्रोजन गैस है, वाटर वेपर्स हैं, या फिर धुआं है, या फिर कार्बन है, क्या है बताना कमेंट करके, ठीक है? नीचे तो पोर्ट ब्लेयर एक सैनिक हवाई अड्डा है, तो वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है। सर ये फाइनली हम पहुँच गए अंडमान निकोबार के अंदर, बाहर चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है। फ्लाइट बहुत लंबी थी भैया, बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो गाइस ये हमारी एंट्री हो चुकी है अंडमान एंड निकोबार में, और ये हम आगे तीनों थोड़ा बहुत सामान है हमारे पास, बाकी ये देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे सीन। और यहाँ पे उतरते ही अपने को बहुत सारे लोग हेल्प के लिए मिल जाते हैं, टैक्सी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, होटल के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हमें अभी कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। अभी हम उतरे हैं, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलो तो भाई लोगों हमने स्कॉर्पियो बुक कर लिए, भाई की स्कॉर्पियो है, आई मीन टैक्सी बुक कर लिए, टैक्सी बुक कर लिए, भैया में लेके जा रहे हैं, होटल वोटल दिखाएंगे मस्त। क्या नाम है भैया आपका? करपैया। चलो बढ़िया नाम है। चारों तरफ तो पानी पानी है, फिर कारे वारे आती कहाँ से है बन के? ये जो जहाज में आती है। अच्छा शिप में। अब मान लो तो आप लोगों के यहाँ पे कोई कार ले ले, वो बेचारा तो बाहर लेके जा ही नहीं सकता, बस एक ही जिले में चलाओ, यही यही चलाओ, बस यही चलाओ, और लेके जाना तो लेके जा सकते, वो जहाज में लेके जाओ, खर्चा ज्यादा हो जाता है ना। गाइस इधर गाड़ी के नंबर प्लेट पे AN होता है, AN01 अंडमान एंड निकोबार। तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो समुद्र दिखने वाले जो रूम थे ना वो बंद हो गए और दूसरे रूम दोबारा बंद हो गए भाई। बाकी नजारा तो एक नंबर है सामने यार, बोले एक नंबर है। आजा आजा चमड़ी चोर, पेड़ देखो यार जोरदार, पेड़ देखो कितना जोरदार है, देखो ओ भाई ये काय का पेड़ है यार, इतना बड़ा पेड़ देखा गाइस आपने? एक ही पेड़ है ये, देखो इतना बड़ा पेड़ है, देखो भाई ये तो काला पानी की झील लग रही है। तो गाइस ये रूम है भाई, गर्मी ऐसी है ना, अरे एसी से कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये देखो यहाँ का नजारा गाइस, यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियां हैं, और ये देखो ये पेड़ गजब है यार, कुछ भी कहो तुम, ये पेड़ देखो यार, पेड़ देखो है ना, ये जगह है, आगे बीच है, अभी अपन आगे चलेंगे, मैं आपको बीच भी दिखाऊंगा यहाँ का। बिन तेरे जिंदगी यादी है, दिन वो क्या जो ना तू साथी है, तूने जो हाथ ये थामा है, राह में रोशनी ला दी है, बदलना तुमको
फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर, और ये है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है यार, मैं फिर से भूल गया, हैवलॉक। हैवलॉक का ये मतलब वो है स्टेशन जहाँ पे बोट्स वगैरह आके रुकती है, और ये मोटा और दिनेश फिर से मेरे को छोड़ के भाग गए। पॉल्यूशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है इधर, हवा चल रही है एक नंबर, और वो उस वाली बोट के अंदर हम आए थे, और पता नहीं अपने बच्चे कहाँ गए, मतलब कि वही बोरा मोटा बोरा दिख गया। कर लेंगे, क्या नाम भाई आपका? विश्वजीत भाई मिले हमें यहाँ पर हैवलॉक के अंदर। आओ यार थोड़ी सी दो बातें कर लेते, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे आके। सबसे पहले यहाँ जब आए वो अच्छा सा रिसोर्ट देखिए, और स्कूबा डाइविंग कीजिए। स्कूबा डाइविंग और एलिफेंटा बीच है। एलिफेंटा यार हमें ना वो देखो उस बोट को ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ज्यादा पब्लिक ना हो, वो कैसे जाएंगे? ज्यादा प्राइवेट बीच है सर, एक एक सा रिसोर्ट का जो है प्राइवेट बीच है। अच्छा खुद का प्राइवेट बीच में आप कर सकते हो अपना जो भी हो। चलो बढ़िया। और वाटर एक्टिविटी के लिए एलिफेंटा बीच फेमस है हमारा, और स्कूबा डाइविंग सेंटर है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं हम तो आपके हाय छोटे कैसा है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। अरे वाह। और आपका? हेलो बढ़िया भाई, मेरा नाम अनुज है सर। अरे वाह अनुज, कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते भाभी जी, क्या नाम आपका? क्या नाम है? अरे वाह, आप कहाँ से? पिलानी से। वो बिट्स वो झुंझुनू? आप भी झुंझुनू से? बढ़िया राजस्थान, क्या बात है। फाइनली दिनेश ने हमारे टैक्सी वाले भैया को ढूंढ लिया है बड़ी मेहनतों के बाद। ये दिनेश बड़ा अजीब आदमी है, पहले स्कॉर्पियो बुक की थी, अभी टाटा सुमो बुक कर दी। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, मैं इसके नीचे रुका हुआ हूँ, और ये इनमें से कोई रूम ले रहे हैं हम, इनमें से ही कोई सा एक रूम ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का रूम है भैया आज का। कैमरा पड़ा है यहाँ पे, ये मैं हूँ, ये है दिनेश दूसरे वाले रूम में, उसको ही बुलाता हूँ। ये क्या है? ये यहाँ का जो भी है वो है। गाइस हम तीनों बरसात के अंदर भागते हुए तेजी से आए, और आके ये नज़ारा देखा दिल खुश हो गया। बारिश आ रही है तो भीगेंगे बरसात के अंदर ही। मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ, देखना यार यकीनन मज़ा आ जाएगा भाई, मुझे तो मज़ा आ गया, आपको भी आ जाएगा ये चीज़ देख के। आवाज़ के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वाओ गजब भाई गजब यार। ये देखो गाइस जगह देखो यार एक बारी, वाह। मैं ठंड के अंदर भीग रहा हूँ लेकिन क्या करूँ खुद को, तुम्हें दिखाने से रोक नहीं पा। वाह यार भाई यार क्या ही जगह है, वास्तव में जगह है यार। भाई लोगों को बुरा मत मानना, तो यही और रास्ता नहीं हमारे पास, कपड़े पहनेंगे तो गीले हो जाए, इसलिए मैंने तो खोल दिए नीचे भी पहन रखी मैंने कैपरी। यार हंसी नहीं उड़ाया को यार, मैं कैपरी बोलने वाला था, तुम यार हमेशा गलत ही सोचते हो यार। मैं नहीं खेल रहा, जाओ। तीनों भाई बैठे हुए यहाँ पे, बारिश खत्म होने का इंतजार करें। तो कहीं घूमने जाए यार, देखो अब जहाँ पे भी जाते हैं बारिश आ ही जाती है। हालांकि मुझे बारिश से कोई इतराज नहीं, बारिश तो आनी चाहिए, बाकी यार रुक जाए तो थोड़ा घूम लेंगे वरना वापस ऐसे ही जाएंगे। हमारी होटल भी है, ये हमारी होटल है, ये हमारा रूम है, दिखा चुका हूँ मैं, कितनी बारी बोल चुका हूँ कि ये रूम ही है। गाइस बारिश रुक गई, और जो बारिश आ रही थी पानी, ये सारी जो चट्टाने हैं ये पानी के अंदर भरी हुई थी, और अब पता नहीं पानी जो है आगे की तरफ चला गया। और ये देखो यहाँ पे संरचना है, देखो यार इन पत्थरों के अंदर, ये देखो कितना खतरनाक पत्थर है, ये देखो बाकी गाइस देखो यार पेड़ यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, और ये वाला जो पेड़ है ये से लटक रहा है, और क्या चीज का ये पता नहीं यार, ये उसका है गुल्लर पता नहीं किसका है बस है। तो गाइस यार ये देखो ये जगह सख्त हो गई है बिल्कुल, और पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ, देखो पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा होगा, और ये देखो उतरी वो ये क्या है, केकड़े है। पानी कितना साफ है गाइस, और इनके अंदर इन छोटी छोटी जो खड्डे हो रहे हैं इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई ना कोई जानवर रहते हैं। ये देखो ये रे छोटे छोटे जानवर, और वो भाव क्या रफ्तार से, स्पीड कैसे इसकी, स्पीड बहुत तेज है भाई से तेज है इसके अंदर, ये देखो वाह यार। उधर देखो उधर थेट तक ये बीच है गाइस, उधर भी बीच ही है ऐसा ही, ये देखो
बस यहाँ पे अगर धूप होती ना गाइस तो ये पानी के आर पार दिखता और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता। अभी हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच पे, पहले राधा नगर था, अभी जा रहे काला पत्थर बीच पे, वो देखते हैं कि वो कैसा है। लेकिन उससे पहले अंधेरा हो रहा है तो अंधेरा ना हो इसीलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, अंधेरा होने के बाद में नजारे देखने का मजा नहीं आएगा। चलो ये पहुंच गए हम काला पत्थर बीच के ऊपर। अरे यही है या कोई और है गाइस? यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं कपड़ों की और बहुत सारी चीजों की। मैं हेलमेट उतार देता हूँ, बाल पता नहीं फिर से हो गए चंपू की तरह। सही कर, सही हो गया चंपू की तरह, ऐसे ही ठीक है भैया चंपू की तरह। विक्रम चाहता है कि मैं चंपू दिखूँ। गाइस मैं तुम्हें बीच दिखाता हूँ, ये देखो आप भी इस बीच पे आ सकते हैं और अपने लिए, हाँ अपने लिए, हाँ अपने लिए रील्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बना रही है, ये देखो इस तरीके से बना सकते हैं आप रील। भगवान करे मेरा ये पहला व्लॉग वायरल हो जाए और कुछ लाइक्स आ जाए इस पे, और ये वीडियो पे अगर 1000 व्यूज आते हैं तो मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा यहाँ समंदर का। गाइज हम में है वो जुनून लोगों से हटके कुछ करने का, बाकी दुनिया में वहाँ पे फोटो खिंचा रही है, हम यहाँ पे खिंचाएंगे। गाइज ये जगह देखो यार, देखो लहर आएगी, देखना देखना, एक दो एंड तीन। तो गाइस बस यही था काला पत्थर और हमने भी देख लिया, आपको भी दिखा दिया, कैसा लगा बताना ज़रूर। कुदरत कुदरत होती है यार, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है गाइस। खैर अब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, नेटवर्क यहाँ पे है नहीं, बैटरी का कोई सिस्टम है नहीं, अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से।